इस वक्त हम वार्ड नंबर 12 में हैं। वार्ड नंबर 12 में 15, 16, 17 और 24 ये सेक्टर्स आते हैं, और यहाँ से कांग्रेस ने दीपा सुधीर दुबे को अपना उम्मीदवार बनाया है। दीपा सुधीर दुबे न सिर्फ वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ से वो चुनाव लड़ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीपा दुबे जी। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले तो आप वैसे यूँ तो इसी सेक्टर की रहने वाली हैं, एक और बात इनके बारे में ये बता दें कि ये महिला सीट से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ये जो जनरल सीट है और वहाँ से इनको टिकट दिया गया है पार्टी की तरफ से, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वज़न वो रखती हैं। तो सबसे पहले तो आप कैसा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपको एक जनरल सीट से पार्टी में मैदान मिल पा रहा है? देखिए, पार्टी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया तो मेरा भी पूर्ण विश्वास पार्टी के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। मेरा ये वार्ड जो है वो जन्म से लेकर मरण तक मेरे साथ है, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ और इसी वार्ड की बहू हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये देखी गई, पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा। मेरी जो एक्टिविटीज़ इतने सालों से थी पार्टी के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, ग्राउंड लेवल पे काम, उन्होंने इतना मुझे इसके लिए सक्षम समझा कि मुझे जेंट्स की जगह एक लेडी महिला को उस सीट से उतारा। उनका मैं कमेटी का और पार्टी का हमेशा धन्यवाद करूंगी, और ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ पार्टी को कि जिस तरीके से आपने मेरे ऊपर विश्वास दिला के मुझे टिकट दी है, तो वो आपको मैं भारी मतों से यहाँ से आपकी सीट निकाल के दूँगी। मैम, आपके इस वार्ड में वैसे तो सेक्टर्स हैं, खासतौर पर 17 में तो वोट हैं ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं 15, 16 और 24 में वोट्स हैं, और वो भी ज़्यादा जो है यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत हैं, तो किस तरह से डिफरेंट है यहाँ पर कैंपेन करना? देखिए, यहाँ पे जो कैंपेन है वो आज की डेट में बीजेपी ने बड़ी आसान कर दी है, क्योंकि उन्होंने इतने गिफ्ट्स सारे एम्प्लॉइज़ को दे दिए अपने काल में कि वो इतने दुखी हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि हमें तो बीजेपी की तरफ देखना भी नहीं है। दूसरी बात करना चाहूँगी कि यहाँ की जो पॉलिसी है, जो यहाँ से हमने जिस तरीके से है, कॉलोनी का कुछ और तरीके का है, गांव का कुछ और है, लेकिन ये प्राइम सेक्टर्स लोकेशन में है, वीवीआईपी सेक्टर्स कह सकते हो, क्योंकि 17 सेक्टर में वोट जरूर कम है, लेकिन बहुत बड़ा दायित्व यहाँ के काउंसलर का रहेगा, क्योंकि वो सिटी हार्ट है, उसकी गरिमा को, हेरिटेज को कायम रखना ये मेरा परम सौभाग्य है और परम कर्तव्य रहेगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जब ये मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है तो मुझे हर वार्ड के हर कोने का पता है। जिस तरीके से घर एक महिला सजाती है, उसी तरीके से ये सुंदर वार्ड सजाया जाएगा, और नंबर वन ये वार्ड होगा। किसी को मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़ोन करें मेरे सभी वार्ड के सदस्य, मैं 5 मिनट के उनके पास हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ का यहाँ का पता है और मैं भुक्तभोगी भी हूँ उन्हीं के साथ साथ। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि जितनी गवर्नमेंट्स के यहाँ पे अकोमोडेशंस हैं और मेरे सरकारी भाई रहते हैं, 16 में भी हैं, 24 में भी हैं, भरा हुआ है, 24 तो प्राइवेट कुछ है ही नहीं है, तो जो जेब पे असर पड़ा है ना, वो महंगाई की मार ने उन लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई अब चुनाव जो चयन है वो एक कांग्रेस का ही है और कुछ है नहीं। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पूर्ण विश्वास के साथ वो मुझे बहुत सहा रहे हैं और ये कह रहे हैं, जाके जब मैं मिलती हूँ तो मुझे यह कहते हैं कि दीपा जी, हम तो आपकी इंतज़ार कर रहे हैं, 24 के पहले ही अगर वोट हो जाए तो हम अभी डाल दें। आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है जिसकी वजह से महंगाई है और लोग नाराज़ हैं, खासतौर पर सरकारी कर्मचारी नाराज़ हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार मैदान में आ गई है, आपको लगता है कि वो आपकी वोट जो है कांग्रेस के वोट्स के ऊपर उनका जो है तरह से असर रहेगा? देखिए, किसी पार्टी के जो अपने वोट हैं वो तो कहीं जाते ही नहीं हैं, वो तो जाएंगे कैरेट वोट, लेकिन वो उस पार्टी का होता है जिसका संगठन हो। आम पार्टी का यहाँ पे कोई संगठन ही नहीं रहा, एक नेता आता है उनका एक चला जाता है, दोबारा शक्ल नहीं दिखाता, हम लोग तो 24 घंटे अपने लोगों के साथ हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आम पार्टी का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, आम पार्टी तब वर्चस्व में आएगी जब वो ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। अब वो कहते हैं 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे, जुमले पहले बीजेपी ने जुमले देखे, लोगों ने सहे और अब उनके जुमले शुरू हो गए। चंडीगढ़ का कोई भी नागरिक इतना इगोइस्टिक है, इतना अपने में स्वावलंबी है कि वो कोई चीज़ फ्री में नहीं लेना चाहता। उनकी सिर्फ डिमांड ये है कि लिमिटेशंस के बीच में हमसे हर चीज़ लें आप, हम अपने सेक्टर को, हम अपने चंडीगढ़ को, हम अपने देश को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति देना वो चाहते सर्विस हैं। अच्छा चाहते हैं, सर्विस अच्छा चाहते हैं, सर्विस में आप देखिए मेरे सामने ग्राउंड में खड़े हैं, क्या हालत, कूड़े का ढेर देख लीजिए इसके साथ, मतलब ये चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, उनकी और कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर एक काउंसलर, बेसिकली तो मैं हमेशा कहती हूँ कि काउंसलर की जो पोस्ट है
वो एक सफाई कर्मचारी का मुखिया होता है। तो अगर वही काम करने में हम फेल हो गए, हम तो सोचते हैं पता नहीं हम राजा ही बन गए। तो ये हुआ इन दिनों में, जिससे लोगों के बीच में रोष है। और लोग बीजेपी को क्या, आम पार्टी का तो कोई स्थान ही नहीं मिल रहा। यहाँ मैं वार्ड में जा रही हूँ तो वो कहते हैं जी वो क्या है, वो कौन, हम नहीं जानते, हम कोई केजरीवाल यहाँ के नहीं लड़ रहा, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमें तो अपनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए और हम कह सके कि हाँ हमें अच्छे सेक्टर में रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी मैम दीपाश्री दुबे, जो कि वार्ड नंबर 12 से कैंडिडेट हैं कांग्रेस की। और उनका कहना है कि चंडीगढ़ के निवासी जो हैं वो फ्री में कुछ नहीं चाहते, वो अच्छी सर्विस चाहते हैं। और इसी मुद्दे के साथ वो मैदान में उतर रही हैं। अर्थ प्रकाश टीवी पर हमारी ये पेशकश आपको कैसे लगी, आप हमें ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।